सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 तारीख का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। पोस्टपोन होगा तो अगली तारीख कौन सी मिलेगी? अगली तारीख मिलेगी तो फिर क्या वहां पर हमको ट्रांसपेरेंसी देखने मिलेगी? ठीक है, ये तीन मुख्य सवाल है यहाँ पर। क्योंकि देखिए पोस्टपोनमेंट का जो सवाल उठ रहा है वो क्यों उठ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ नीट में आपने जो है यहाँ पर गड़बड़ी देखने मिली है सेंटर्स में। ठीक है, नीट में हमको जो है पेपर लीक की बातें सुनने मिल रही है। नीट में जो है हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इकट्ठा जो है यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जैसा कि प्रावधान नहीं था शायद तक। ठीक है, आपका यहाँ पर ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नहीं था, फिर भी आपको जो है यहाँ पर 720 में 720 आ रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं इतने सारे। तो ये सब बातें जो है ये अपने आप में यहाँ पर सवाल पैदा करती है, कौन से एग्जाम को लेके? आपके NTA, UGC नेट एग्जामिनेशन, UGC नेट GRF, और उसी के साथ साथ अभी क्या लगा दिया है उन्होंने, अभी लगा दिया है आपके लिए सामने PhD एंट्रांस भी। यानी कि पहले अगर इन लोगों के साथ कुछ होने वाला था तो अब जो PhD एंट्रांस वाले हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं कि आपके साथ भी इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सवाल किसके ऊपर है? सवाल है पोस्टपोनमेंट के ऊपर, स्थगित होने के ऊपर, कि ये जो NTA है क्या ये एग्जाम स्थगित करने वाला है या नहीं। तो उसी सब के बारे में बातें करेंगे यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर। तो ये सब देख लिया आपने, ये पूरी आउटलाइन है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो किसके ऊपर उठ रहा है? ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ठीक है, आप जो है ग्रेस मार्क्स दे दे रहे हैं बिना मतलब के, बिना वजह के, कुछ बता नहीं रहे हैं। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर नेट पे देखने नहीं मिल रहा है, वो सब आपको देखने मिल रहा है नीट के अंदर। ठीक है, लेकिन सवाल बस ये उठ रहा है कि क्या आप नेट में इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रख पाएंगे या नहीं। वेल एंड गुड, अगर नेट में आप ये कॉन्फिडेंस है आपका कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी रख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसा नीट में गड़बड़ी हुई आपकी है ना, वैसी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं होगी, तो आप बेशक यहाँ पर 18 को एग्जाम दे लीजिए। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी यहाँ पर डाउट है कि आप नहीं करवा पाएंगे प्रॉपरली कंडक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी ईद भी आ गई है पिक्चर में, ठीक है, तो अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो क्या कर दीजिए, इसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। और फिर डिले अगर कर रहे हैं तो आपको क्या मेक श्योर करना है? आपको श्योर करना है यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर क्या रखेंगे, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। ठीक है, अगर डिले करने के बाद भी आपको सेम वही चीज रिपीट करनी है तो आप इससे अच्छा क्या है कि आप 18 को एग्जाम दे लीजिए, जो होगा बच्चे वहां पर झेलेंगे ही झेलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसको झेलना है? वहां पर जो स्टूडेंट है उनको वहां पर झेलना है। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम 18 को कंडक्ट कराना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि वो ट्रांसपेरेंट हो। 18 को अगर नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं तो आगे वो डिले कर दें उसको, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। लेकिन डिले अगर हो रहा है तो ये आपको जो है 100% कंफर्म करना होगा कि आप क्या रखेंगे इसको, इसको आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, है ना। जो दिक्कत आप 18 तारीख को अगर बच्चा फेस करने वाला है ना, उसको अगर आप 10 दिन 15 दिन बढ़ा के 20 दिन बढ़ा के, संभव नहीं है कम समय में, लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास यहाँ पर संभव है चीजें करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10-15-20 दिन बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिर से जो है इस एग्जाम को डेट आगे बढ़ा के ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें तब यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी हो, है ना, कोई सेंटर पे कहीं पे कुछ पेपर लीक ना हो, कहीं पे कुछ चीज बिके ना। ठीक है, क्योंकि देखिए खरीदने वाले भी कौन है? खरीदने वाले भी स्टूडेंट हैं। अब जब स्टूडेंट खरीदने के लिए तैयार है तो बेचने वाले तो बट ऑब्वियस ही बात है आएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी थोड़ा बहुत फॉल्ट है यहाँ पर कि जब उनको लगता है कि नहीं हो रही है चीजें तो क्या होते हैं, वो लालच में आते हैं एंड इस प्रकार की चीजें करते हैं। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, केवल जो बेचने वाला है उसको हमको ब्लेम नहीं करना, खरीदने वाले को भी ब्लेम करना है कि दोनों चीजें जो है यहाँ पर साइमल्टेनियसली चल रही है। अगर बेचने वाला नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई की बात है यहाँ पर, है ना, डिमांड है तभी सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है तभी यहाँ पर डिमांड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बात ऐसी क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 जून को जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर CBT मोड का, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, उसको उन्होंने यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, 12 जून का एग्जाम था, पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। अब इतनी बड़ी एजेंसी, अथॉरिटी, जो भी आप कहें उसको, ठीक है, उन वो क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल रीजंस बोल रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल रीजंस की वजह से आपका जो है एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या जितने भी आप कर रहे थे 170 शहर में सभी जगह टेक्निकल दिक्कत आ गई क्या, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपने जो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर हम जो है एक साथ सबको छोड़ते हैं तो ये तो हाईली लाइकली इम्पॉसिबल है कि अगर आप पेपर सबको एक साथ छोड़ रहे हैं तो आपने उसको पहले क्या ना किया हो, आपने उसको पहले टेस्ट ना किया हो। ठीक है, आपने पहले टेस्ट ना किया हो कि सभी कंप्यूटर में बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म जैसे भी करते हैं वो भेजने का, वो तो इतनी टेक्निकलिटी आती नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, पहले क्या होता है, पहले आप उसको टेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ। आप पायलट स्टडी जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं रिसर्च वगैरह में, है ना, आप पायलट तौर पर करते हैं कि इज दिस वर्किंग और नॉट, ठीक है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद ही आप इतनी बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और जब एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे हैं आप तो कुछ जगहों पे चला गया वो प्रॉपरली और कुछ जगहों पे नहीं जा पाया, तो इस वजह से आपने जहां पर गया था जिन बच्चों को यहाँ पर इजी पेपर लगा, है ना, उनका भी आपने यहाँ पर जो है कैरियर दांव पे लगा दिया और आपने क्या कर दिया, एग्जाम को सीधा सीधा पोस्टपोन कर दिया। हो सकता है मे बी वो बच्चा नेक्स्ट टाइम उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए, है ना, अगर 180 आ रहे थे तो हो सकता है अगली बार वो 170 पे आ जाए उसके। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो खैर, ये तो बात हुई टेक्निकल रीजंस की, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी सरोकार नहीं, क्योंकि आपका जो मोड होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है आपका ऑफलाइन मोड। ठीक है,
तो ये वीडियो देखिए आपको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको देखिए रिवीजन तो करना ही करना है, आपको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ये मत सोचिए पोस्टपोन होने वाला है तो मैं रिवीजन नहीं करूंगा, ये तो आपको करना है मरते दम तक, ठीक है। 100% ये करते रहना है आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही आप एग्जाम दे ना दे, आप जीवन में कभी दोबारा एग्जाम दे ये वाला ना दे, लेकिन आपको जो है अगर इस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है रिवीजन आपको डेली करना है, कंटिन्यू करना है, नो मैटर व्हाट, है ना। हो सकता है ये एग्जाम आपका 10 साल बाद भी लें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप क्या करें अपना रिवीजन जो है प्रॉपरली करते रहें, ठीक है। किसी प्रकार से आप बायस ना हो कि आपको जो है स्टडी छोड़ देनी है, पोस्टपोन होने वाला है तो मैं बाद में पढ़ लूंगी, है ना, ये ऐसा नहीं होने वाला किसी भी प्रकार से, ठीक है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं से जो है अगला सवाल उठता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कि जो बच्चा इतना रिवाइज कर रहा है, इतनी सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर नीट में देखने मिला है, है ना, इसका ये मतलब होता भी है और नहीं भी होता है कि हमको ये नेट में देखने मिलेगा, ठीक है। एक बार आपकी जो फसल है खराब हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बार जो है फसल खराब करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है कि एक बार फसल खराब हुई है यहाँ पर, तो हाँ संभावना है ये कि आपकी जो है नेक्स्ट टाइम जो फसल लगाएंगे उसमें आपको ज्यादा देखरेख करनी पड़ेगी। एंड यही बात जो है वहां पर जो एनटीए है उसको यहाँ पर समझना है, इन द सेंस एनटीए को नहीं समझना है, एक्चुअली समझना किसको है, एनटीए जो अलग अलग शहरों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ऑपरेट हो रहा है ना, वहां से प्रॉब्लम जो है होना स्टार्ट होती है, ठीक है। बीच में जब यहां से रिलीज होती है चीजें सब तक सही सही आता है, लेकिन जब यहां तक पहुंचती है चीजें यहां पर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, है ना, आपको मालूम है तेजस्वी लोग हैं हमारे भारत में, यहां पे जो चीजें हैं गड़बड़ा जाती हैं। एंड वही डिमांड की बात है और सप्लाई की बात है, डिमांड रहेगी तो सप्लाई भी आपको जो है मिलेगा देखने, ठीक है। अब यहां पर देखिए पेपर लीक वगैरह संभावना आपको नीट में ज्यादा देखने मिल रही है ना, एज कंपेयर टू एनटीए, वो क्यों है वो भी हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे उस पर डिस्कस करते हैं यहां पर कि आपको जो देखिए जो बच्चा इतना रिविजन कर रहा है, है ना, और मान के चलिए किसी ने कहीं पर कुछ एक पेपर ले लिया या खरीद लिया या उसको मालूम पड़ गया कि ये 50 सवाल आने वाले हैं, तो नो डाउट वो जो बच्चा है कॉन्फिडेंटली दूसरे से अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। अगर आपके मान के चलिए 60% आ रहा है ना, ऑब्वियसली बच्चा जो है 72% पे बैठा होगा और आपके ऊपर जो है पीएचडी का सीट ले लेगा या फिर जीआरएफ का ले लेगा या फिर जो भी ले लेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए एक और सवाल उठता है कि वो जो यहां पर देने वाले हैं वो भी कभी कभी वो 1% से कम दे देते हैं, कभी कभी 6% से कम दे देते हैं, वो तो खैर अलग ही एक ड्रामा यहां पर चलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, अगेन यहां पर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि आपको जो है जो बच्चा इतना रिवीजन कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि रेगुलर रिवीजन करना है ना, वो कंटिन्यूअसली रिवीजन कर रहा है, उसके 120 आ जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं कर रहा है रिवीजन, जस्ट उसने पेपर परचेस कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें उसको मालूम पड़ गई है, उस वजह से वो 150 ले आ रहा है, ठीक है। टफ पेपर हो इजी पेपर हो वो मैटर नहीं करता, बट ये आप समझ रहे हैं डिफरेंस कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि एनटीए वालों को कि आप जो आप 18 को एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि जो है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना, आपने जो है एक गड़बड़ी कर दी है ऑलरेडी जून के या मई के जो भी महीना था एग्जाम हुआ था नीट का, है ना, एक गड़बड़ी तो आपने वहां पर कर दी है। अब आपको मेक श्योर करना है कि इस प्रकार की गड़बड़ी यहां पर ना हो। अगेन देखिए बात आती है कहां पर, सेंटर्स के ऊपर, है ना, जिन सेंटर्स में ये हुआ था वो क्या रहेंगे, वो यहां पर रेड अलर्ट पे रहेंगे, है ना। अगेन वहां पर इस प्रकार की चीजें ना हो जाए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिन स्कूल में नीट का लिया था एबीसी स्कूल में, उन स्कूलों में आपका नेट का नहीं लेंगे, ठीक है, संभावना नहीं है। ऐसा नहीं कि डीईएफ में आप नेट का लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन मोड है, तो आपको जो है यहाँ पर हो सकता है कि सेम स्कूल्स आए अगेन वही वाले, एंड जिन स्कूल्स में ये हो रहा था, है ना, वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आउट हो जाए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको नहीं ध्यान रखना है, इन द सेंस एनटीए को यहाँ पर जो है इसका टेक केयर करना है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट सुटेबल लॉजिकल ऑप्शंस क्या है कि अगर आप 18 को एग्जाम करा रहे हैं तो करा लें, वेरी गुड, है ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बट एक चीज मेक श्योर करें क्या है, वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, जिसको किसी को भी संभावना नहीं है इस चीज की, लेकिन ट्रांसपेरेंसी अगर आप रखेंगे तो हर कोई आपका जो है यहाँ पर तारीफ करेगा कि आपने जो है अच्छे से एग्जाम जो है कंडक्ट कराया है, ठीक है। अगर आप ये लग रहा है कि नहीं कुछ आपको चेंजेस करने हैं, अभी भी आपके पास समय है, तो आप जो है इसको क्या कर दें, इसको आप यहाँ पर पोस्टपोन कर दें, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ इसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप जो 18 में जो चीजें हो सकती हैं आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट डेट आप देने वाले हैं एग्जाम की, तब यहाँ पर ना हो, है ना। बाकी फिर एल्स कोई मतलब रहेगा नहीं कि अगर आप नेक्स्ट डेट में भी जो चीजें आप यहाँ पे रोकना चाह रहे हैं, अगर वो हो गई, पेपर लीक हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये सब जो आपको लेना है फैसला, ये आपको जल्दी से जल्दी लेना है, यानी कि आज और कल में विद इन 1-2 डेज आपको जो है ये बच्चों को इन्फॉर्म कर देना है कि वी आर पोस्टपोनिंग और नॉट, ठीक है। ऐसा ना करें आप, मतलब वो अलग ट्रॉमा मत करें कि आप 18 को कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, एकदम से आके आपसे पेपर छीन लिया जाए और बोला जाए कि आपका जो है एग्जाम ओवर हो चुका है, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है इन लोगों ने, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार की चीजों से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। क्योंकि पराकाष्ठा तो आपने कल देख ही ली है, 12 तारीख को हो गई थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सारे सेंटर्स में पेपर नहीं गया, है ना, कुछ सेंटर्स में गया था, और ऐसा भी नहीं है कि 80% सेंटर्स में गया था, 20% में नहीं गया था, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या फिर 70-30 भी होगा, है ना। तो आपने क्या किया, आपने इन बच्चों का भी नुकसान कर दिया,
ना जितना जिसका जो फ्रेम ऑफ माइंड या सेट ऑफ माइंड जो लेके आए थे अपना कि हमको एग्जाम देना है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे जो सर्कल था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब सोचिए जो अगली बार ये बच्चा देने जाएगा उसको ये मन में कहीं ना कहीं डर होगा कि इस बार भी ऐसा ना हो जाए। इनफैक्ट 18 जून वालों को भी होगा यहाँ पर कि हमसे जो है पेपर छीन ना लिया जाए बीच में, है ना, सबकॉन्शियसली सबके माइंड में चल रहा है देखिए। और ये इम्पैक्ट कहाँ देखने मिलेगा आपको, अगर 18 को एग्जाम हुआ तो आप कट ऑफ भी देखिए आपको यहाँ पर लो देखने मिलेगा। ऑलराइट, अगर पेपर नॉर्मल आएगा तो, है ना, कंपैरेटिवली बहुत ही इजी आएगा तो बट ऑब्वियसली बात है कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन चूंकि सबकॉन्शियस में ये चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 18 जून में भी हो सकता है कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में 17 जून को दे दें इन्फॉर्मेशन, 18 जून को मॉर्निंग में दे दें कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया है। कई लोग जो है दूर दूर से जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं सेम शहर में देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा दिमाग हिलाने का काम ये परीक्षा मतलब ये संस्था है ये यहाँ पर कर रही है एनटीए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो है कंटिन्यूस अपना रिविजन करते रहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, है ना। ये आपको बोलेंगे 18 तक आपको बोलेंगे एग्जाम है, और 18 को भी बोल सकते हैं आपको कि एग्जाम सुबह आपका, वेबसाइट चेक करके जाइएगा या हमारी वीडियो देख के जाइएगा और बोलेंगे आपका कि एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या रहना है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है देखिए एक बात आपको समझने वाली है कि नेट में इतना रिबेलियन क्यों नहीं आने वाला है, नेट के अंदर खासतौर पर बात करें, क्योंकि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है, है ना, कितने 83 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब सोचिए 83 सब्जेक्ट हैं, रशियन, जैपनीज, फ्रेंच, अरेबिक, उर्दू, बंगाली, एसएमईस, और जो है जैपनीज, और जो है चाइनीज, और जो भी है जर्मन, है ना, और जो है फ्रेंच, जो है स्पेनिश, इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं यूनिटी यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। लेकिन भाई अगर हम बात करें नीट की, देखिए इतना हल्ला हो रहा है, अगर नेट में हुआ होता ना तो बात दब जाती। ठीक है, अगर नेट में ये हुआ होता या आगे अगर होगा भी तो ये बात दब जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर आप देखें हर एग्जाम का अपना 20-30 हजार का स्टूडेंट जो भी ब्रैकेट है अप्रोक्सीमेटली, है ना, 50 हजार ऑन एन एवरेज माने तो हर स्टूडेंट जो है 50 हजार की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20-25 लाख की बात है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब यूनाइट है, यूनाइट है इन द सेंस हर किसी को क्या बनना है, हर किसी को यहाँ पर डॉक्टर बनना है। ठीक है, इसलिए जो आप मीडिया में देख रहे हैं सब आवाज इतनी ज्यादा उठी हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको डॉक्टर बनना है। ठीक है, हर किसी के पास फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हर किसी को, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच वाले को स्पेनिश नहीं पढ़ना है, स्पेनिश वाले को जैपनीज नहीं पढ़ना है, जैपनीज वाले को रशियन नहीं पढ़ना है, रशियन वाले को जर्मन नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो क्या है, बेकार सा पेपर वन पढ़ना है बस। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है जीवन में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हर कोई यहाँ पर देखिए वर्गों में बटा हुआ है, इस वजह से आपको जो है यहाँ पर उतनी आपको चीजें देखते हुए नहीं मिलेंगी अगर आपके साथ ये होता भी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आपको जो चीज ध्यान रखनी है, जो आपके हाथ में है वो क्या कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं ओनली एंड ओनली स्टडी। ठीक है, आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप जो है यहाँ पर 280 टारगेट रखें, 270 टारगेट रखें, 260 टारगेट रखें, 240 टारगेट रखें, 230 टारगेट रखें। ठीक है, इतना हाई टारगेट रखें, अपना स्टैंडर्ड यहाँ पर रखें बेस्ड ऑन योर एग्जाम या जो भी आपका सब्जेक्ट है, कि आपको अगर इस प्रकार की चीटिंग वगैरह होती भी है तो आप क्या रहें, वो आपको इफेक्ट ना करें। ऑब्वियसली अच्छी बात तो नहीं है, है ना, अच्छी बात तो है नहीं है कि आपके चीटिंग हो रही है और आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, केस करें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किसी के पास रियलिटी में टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का। ठीक है, क्योंकि अगेन 50,000 बच्चे, है ना, ये जो एक सब्जेक्ट के हैं, अगले 20,000 किसी अलग सब्जेक्ट के हैं, है ना, और इंडिविजुअल लेवल आप भी देखिए, वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छा लग रहा है आपको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब हो जाएगा, लेकिन जब बोला जाएगा आपसे कि आप जो है यहाँ पर केस करिए तो वहां पे 10 में से ओनली एक वहां पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, बाकी के जो 9 लोग हैं वो बोलेंगे ठीक है हमारी किस्मत में यही था, इसको बोल के वो जो है चुप हो जाएंगे। ठीक है, जब चुप होना ही है आपको तो क्यों ना आप अच्छे से स्टडी करें, है ना, या तो आप बोलें, या तो आप जो है हर कोई जो है यहाँ पर चला जाए कि आपको जो है ये एग्जाम पोस्टपोन करना है। ठीक है, एनटी को आप केस कर दें, लेकिन आप केस किस बेसिस पे करेंगे, कि आपके पास देखिए चूंकि नीट में हुआ है इस बेसिस पे हमारे साथ भी होने वाला है, तो आप ये तो मतलब अजम्पशन है ना बस ये कि आपके साथ होने वाला है। ठीक है, अजम्पशन के बेस पे आप बोल रहे हैं कि पोस्टपोन करो, ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन आप जो है यहाँ पर ये नहीं कह सकते ना कि यहाँ पर हुआ है तो आपके साथ भी होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव मैटर आ जाता है, और अगर आपके पास टाइम है तो नो डाउट आप बिल्कुल जाइए यहाँ पर, है ना, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप स्टडी छोड़ के 4 दिन पहले एग्जाम के अपने ये सब चीजें करने में व्यस्त है तो आप बिल्कुल कोई आपको रोका नहीं है, नो डाउट आप वहां पर जाइए, लेकिन उसमें देखिए हर चीज जो है आपको मालूम है इंडिया में हर चीज में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है, नीट का डिसीजन आते आते देखिएगा कितना टाइम लगेगा वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो है काउंसलिंग जो है नहीं रुकेगी, काउंसलिंग नहीं रुकेगी मतलब प्रक्रिया चल रही है, अब जो फैसला जो भी आएगा, है ना, अब जब इन लोग का एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अनलाइकली है कि उनको कैंसिल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, आपके हाथ में जो है वो क्या है, आपके हाथ में केवल स्टडी है, ये आप अच्छे से करें। ठीक है, आप जो है जो भी आप करना चाह रहे हैं करें उसको, लेकिन स्टडी आपके हाथ में है। ठीक है, आप उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एनटीए जो है प्लीज आप जो है यहाँ पे अच्छे से कंडक्ट करा लें इस एग्जाम को। ठीक है, नहीं करा पा रहे हैं तो बहुत सी देखिए, अगर यहाँ पे देखें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है,
ना, किसी दूसरे को दे दीजिए आप यहाँ पर, है ना, इतने लोग हैं इंडिया में, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन खैर वो सब मतलब पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा, वहां पर उतने में जाते नहीं है यहाँ पर। आप केवल एक चीज ध्यान रखिए, आप स्टडी अच्छे से करिए, ताकि कोई अगर पैसे देके भी अगर आ रहा है, कोई अगर पैसे देके भी आ रहा है, तो आप क्या करें, उसको आप यहाँ पर आउटकम जो है वो आपको प्रभावित ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत डीप हार्टनिंग रहता है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, डीप हार्टनिंग, पता नहीं, ठीक है, बहुत ही जो है क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जो भी है अंग्रेजी में शब्द है ना, वो डिजास्ट्रस हो जाता है जब आपको 200 आपको लाने हैं और बेचारा जो है 198 पे आके रुक जाता है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा पेन है, ये दर्द है। और ये दर्द क्यों होता है, क्योंकि किसी ने गलत आंसर की दे दी, ठीक है, एनटीए जो है गलत आंसर की भी दे देता है अपनी अपनी, उस वजह से भी नुकसान होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आंसर सही करता है, पेपर वन में जो है वहां पर चेंज कर देता है, क्योंकि पेपर वन में अमूमन आप जो है चेक करते नहीं है अपने आंसर की, ठीक है, कहाँ पे आंसर चेक करते हैं आप, 80% ऑडियंस अपने पेपर टू में आंसर की चेक करती है, यहाँ पे कोई चेंजेस हुए हैं मेजर लिया नहीं, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो आपके हाथ में है अभी इन दिनों में वो है स्टडी, उस पर आप यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है, ये जो पोस्टपोन होना है नहीं होना ये सब चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या जाएगा, आपका टाइम जाएगा, इसको जो खरीदना होगा वो तो खरीद ही रहा है ना, जब तक एनटीए उस पर अच्छे से लगाम नहीं कर सक देती है तब तक ये चीजें चलती रहेंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दुनिया के मतलब इंडिया के कोने में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप लोग जो है यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या करें, आप जो है यहाँ पर अच्छे से स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप लोग स्टडी नहीं करेंगे और मान के चलिए 18 को एग्जाम हो गया, तो जो आपका चांसेस थे इस बार होने के, वो भी अगेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे, वो भी आप खराब कर देंगे, जस्ट क्योंकि क्योंकि आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं नीट में हुआ तो मेरे साथ यहाँ पर नेट में भी होने वाला है, ठीक है, ये आप अज्यूम कर रहे हैं कि नीट में हुआ तो नेट में होने वाला है। आप समझिए यहाँ पर, यहाँ पे आपको क्या है, गारंटी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है कि आपको क्या है, आप समझिए यहाँ पर मैटर सीट खरीदने का यहाँ पर ज्यादा क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको गारंटी मिल रही है कि आपको एक गवर्नमेंट क्वालिटी सीट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 25-30 लाख रुपए दे के भी या फिर 15-20 लाख रुपए दे के भी अगर आप यहाँ पर सीट ले ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपको मालूम है कि हाँ जिस दिन मैं गवर्नमेंट डॉक्टर बन गया या डॉक्टर बन गया जिस दिन मैं, उस दिन मैं अच्छी पोजीशन पे चला जाऊंगा एंड ये सब जो है आगे जाके आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ माइंड रहता है, ठीक है। लेकिन नेट में देखिए, आप नेट करके भी 2-3 लाख दे के भी आप नेट लेके आप क्या करेंगे, है ना, 2-3 लाख देके भी आपका नेट हो जाएगा, उसका क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगेन आपको जो है धक्के खाने हैं जब तक सरकारी एग्जाम नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जैसे आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, होता इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन बस प्रोबेबिलिटी बताए हैं क्योंकि यहाँ पर इस बार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, संभावना इसमें कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगेन जेआरएफ की जैसे ही बात आएगी लोग और एक्टिव हो जाएंगे, जेआरएफ करना है हमको, जेआरएफ करना है, ठीक है, रिसर्च वगैरह में जिनको देखिए यहाँ पर इसको रियली रिसर्च में जाना है ना, उसको यहाँ पर कोई मतलब नहीं हो, पैसे देके सीट खरीदने नहीं वाला है, ठीक है, लेकिन जिसको केवल नाम के आगे लगाना है वो लोग जो है इस प्रकार की चीजें करते हैं ताकि वो जेआरएफ खरीद सकें और पीएचडी एंट्रेंस वगैरह। जिसको रियली सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब चीजें पढ़ेगा ही नहीं, वो ये वीडियो भी नहीं देखेगा, और वो जो कहाँ लगा है वो अपनी स्टडी में लगा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो हमारी एग्जाम है वो 18 तारीख को है, ठीक है। तो 18 तारीख के लिए आप प्रिपेयर रहिए, चांसेस इसमें होने के है ना अगेन जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं कि इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन आपके हाथ में केवल क्या है, आपके हाथ में है स्टडी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप जो जा सकते हैं कहाँ पर, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, फिर आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और आप जो है यहाँ पर कंज्यूमर जा सकते हैं, क्या नहीं कंज्यूमर नहीं जा सकते, ठीक है, और जो है दूसरी जगह आप जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में जा सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आई गेस ये सब चीज़ें करने से अच्छा है क्या है, आप स्टडी पे अच्छे से फोकस करें, पेपर वन पेपर टू अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप अच्छा स्कोर करें, 200-250 स्कोर करें, ताकि आपको वहां से कोई बाहर निकालने के लिए कितना भी कोई सीट खरीद के आए तो उनके पास कम चांसेस रहे कि आपको यहाँ पर बाहर निकाल दें, ठीक है। वो तो कुछ भी सकता है, 300 नंबर आके भी आपको फेल कर सकते हैं, है ना, वो तो खैर किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो है अच्छे से आप स्टडी करें। और बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, आप सभी को ऑल द बेस्ट। देखते हैं वो पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं, पर्सनल लेवल पे बात करें इसको पोस्टपोन करना चाहिए, ताकि वो जो है अच्छे से फेयर एग्जाम यहाँ पर ले सकें, है ना। अगर अनफेयर मीन से लेना है तो अभी ले लीजिए, अभी बोल रहे हैं 18 को क्या, कल ही ले लीजिए आप एग्जाम, है ना, जब आपको लेना है रात को ले लीजिए, दिन में ले लीजिए, अगर आपको अनफेयर ही करना है तो। लेकिन अगर आपको फेयर करना है तो मेक श्योर करें कि आप यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से आप एग्जाम ले सकें, ठीक है। नहीं तो फिर स्टूडेंट को क्या करना होगा, अगेन वहां पर दिसंबर तक इंतजार करना होगा, है ना। और दिसंबर में भी कंफर्म नहीं कि ये सब प्रकार की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अभी ऑफलाइन हो गया है तो उनके पास जो है चांसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं कि वो इस प्रकार का पेपर लीक होने की संभावना, ये सब आपको अगेन देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड दिस कांट बी स्टॉप, इसको आप रोक नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकते आपकी दिसंबर में नहीं होगा, उसकी संभावना अगेन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं कोई इंडिविजुअल जो है
वो क्या कर देगा, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खुरापात उसके दिमाग में आ जाएगी और वो वहां पर लीक कर देगा। ठीक है, तो लेने वाला स्टूडेंट है आप ये भी समझिए, जो स्टूडेंट ले रहा है ना, ऐसा नहीं कि कोई घर आके आपको जबरदस्ती दे रहा है कि आप जो है ले लो। ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि ले लो, लेना पड़ेगा वरना आप सांसें नहीं ले पाओगे, नहीं ना। इसमें उतना ही ब्लेम स्टूडेंट का भी है जो ले रहा है, एंड जो देने वाला है सप्लायर है ना, उसका भी यहाँ पर उतना ही इंटेलिजेंस है इस चीज के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, स्टडी जो आपके हाथ में है उसको आप प्रॉपरली करें, है ना, ताकि आप जो है भविष्य में जिस भी सब्जेक्ट में है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से अपना प्रॉपर एफर्ट दे सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रैक्टिकल बोले कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कोई एग्जाम देने ना जाएगा, ठीक है, मान के चलिए कोई एग्जाम देने ना जाएगा और आपके सब्जेक्ट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से क्या पहुंच जाएगा, एक पहुंच जाएगा, भले ही उसके 100 नंबर आ जाए, उसको क्या मिल जाएगा, उनको वो JRF मिल जाएगा या फिर नेट मिल जाएगा या फिर PhD मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग के साथ यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर होने वाली है। अगर आप में से कोई भी नहीं गया, मान के चलिए 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख में से कोई भी नहीं गया, 9,99,999 जो भी होता है उतने नहीं गए, लेकिन कोई अगर एक भी चला गया ना, तो जो आप देखते हैं मूवीज में किसी एक के जाने से जो है उनको वहां पर पावर मिल जाती है कि हमने तो कंडक्ट कराया, आप लोग नहीं आए, आपकी गलती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की चीजें होती है और इंडिया में लोग जो है काफी ज्यादा सेल्फिश है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, किसी को नहीं पड़ी है, आपका भी नेट हो जाएगा, आपको खुद नहीं पड़ी रहेगी, आपका JRF हो जाएगा, आपको खुद नहीं पड़ी रहेगी कि आप ये सब जो चीजें हो रही हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपके हाथ में जो है प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली आपके हाथ में स्टडी है, इसको कंटिन्यू रखिए, इसको कभी मत रोकिए, है ना, मेक श्योर करें कि आप अच्छा हाई स्कोर करें ताकि उनके पास ये सब चीजें करने की संभावना कम हो। ठीक है, एंड बाकी फिर अगर पोस्टपोन होना होगा तो वो होगा, वो समय बताएगा, है ना, वक्त बताएगा आपका। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुरुआत ही अंत।